कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के द्वारा सनराइज वॉर पुस्तक लिखी गई है, जिसमें 113 नंबर पेज में हिंदुओं को आतंकवादी बताए जाने के बाद संतों में नाराजगी देखने को मिल रही है। इस सनराइज वॉर पुस्तिका में हिंदुओं को आतंकवादी बताए जाने को लेकर तपस्वी छावनी के संत परमहंस दास ने अयोध्या कोतवाली पहुंचकर सलमान खुर्शीद के खिलाफ तहरीर दी है। वहीं दी गई तहरीर में संत परमहंस दास ने कहा है कि कांग्रेस के सलमान खुर्शीद ने सनराइज ओवर पुस्तक लिखी है, जिसमें 113 नंबर पेज पर जितने भी सनातन धर्म और हिंदुत्व की जो की तुलना आतंकवादी संगठन ISI से की गई है। 100 करोड़ हिंदुओं को उन्होंने आतंकवादी बताया है, जिससे मैं बहुत आहत हूँ। उन्होंने कहा, आज हमने तहरीर दी है, गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हो और तत्काल उनकी गिरफ्तारी की जाए। संत परमहंस दास ने कहा, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम साधु संत इसके लिए धरना देंगे, प्रयास करेंगे, जो कि लगातार जितने भी कांग्रेसी नेता हैं अगर ऐसी अमर्यादित टिप्पणी करते हैं तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। देखिए, कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने एक पुस्तक लिखी है सनराइज ओवर अयोध्या, उसमें उन्होंने 113 नंबर पृष्ठ में लिखा है कि हिंदुत्व जो है ISIS और बोको हराम जैसे है। हिंदुत्व कहने से जितने भी सनातन को मानने वाले हिंदू हैं सभी की तुलना उन्होंने आतंकवादी संगठन ISIS से और बोको हराम से कर दिया है। उसमें चाहे शंकराचार्य हो, चाहे महामहिम राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या साधारण कोई भी, जितने भी हिंदू हैं 100 करोड़ हिंदुओं को उन्होंने आतंकवादी बताया है, जिससे मैं बहुत आहत हूं। और आज हमने जो है तो तहरीर दिया है, हमारा ये कोतवाली अयोध्या है, और उम्मीद करता हूं कि गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होकर के और उनको तत्काल उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद द्वारा लिखी गई पुस्तक में हिंदू धर्म की तुलना ISIS और बोको हराम जैसे संगठनों से करने और कांग्रेस के एक अन्य नेता राशिद अलवी के हिंदुओं को राक्षस कहने को लेकर उठा विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में भाजपा के फायर ब्रांड नेता विनय कटारिया शहर के ग्रामीण क्षेत्र में एक खेल प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यक्रम में मीडिया से मुखातिब होते हुए विनय कटारिया ने सलमान खुर्शीद को पागल बताया, वहीं राशिद अलवी को संस्कार विहीन बताया। विनय कटारिया ने कहा कि सत्ता न मिलने से कांग्रेस पागल हो गई है, कुछ उनके साथी भी हैं जो पागल हो गए हैं और इन लोगों को अस्पताल में जाने की जरूरत है। राशिद अलवी के बयान को लेकर विनय कटारिया ने कहा कि वे अल्लाह हु के नारे लगाएंगे, हम कहेंगे वे राक्षस हैं, तो क्या अच्छी बात है? ये ठीक नहीं है, सभी धर्मों के महापुरुषों का सम्मान किया जाना चाहिए। राशिद अलवी को संस्कार नहीं है, वो संस्कार विहीन है। संस्कार विहीन लोगों को भगवान ही समझा सकता है, यह समय आने पर जनता समझाएगी। पागल हो गए क्योंकि सत्ता मिल नहीं रही, दूर दूर तक नजर आ नहीं रही, सब कांग्रेसी जितने हैं पागल हो गए और उससे ज्यादा उनके साथी कुछ डराते हैं, ये सब मिला कर द्रोह है, ये सब पकड़ा गए, इनको किसी न किसी अस्पताल में जाने की। भारत सरकार रेल मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य अनूप चौधरी आज अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने अयोध्या कैंट व अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया, तो वहीं रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य को देखा। अयोध्या स्टेशन के स्टेशन मास्टर को स्टेशन के प्रवेश द्वार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति का चित्र लगाने की सलाह दी। अयोध्या पहुंचे भारत सरकार के रेल मंत्रालय के सलाहकार समिति के सदस्य अनूप चौधरी ने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, हमारे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, वर्षों से चली आ रही मांग में जनपद फैजाबाद स्टेशन नाम बदलकर अयोध्या कैंट करने का जो कार्य किया है उसके लिए प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, मुख्यमंत्री और हमारे जनपद के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि और पार्टी कार्यकर्ताओं को, सभी अयोध्या वासियों को धन्यवाद। के प्रिय नेता, देश के यशस्वी ऊर्जावान माननीय प्रधानमंत्री परमादि श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को व हमारे केंद्रीय रेल मंत्री आदि श्री अश्विनी वैष्णव जी को
भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने वर्षों से चली आ रही थी एक मांग, जनपद फैजाबाद स्टेशन नाम था, उसका नाम चेंज करते हुए अयोध्या कैंट करने का जो कार्य किया, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रेल मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी व हमारे अयोध्या जनपद के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि और पार्टी के कार्यकर्ता और सभी अयोध्यावासियों को भी बहुत सारा धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में एक विधवा महिला न्याय की तलाश में दर दर भटकने को मजबूर हो चली है। कई बार पुलिस से शिकायत करने के बावजूद भी इस विधवा महिला को अब तक न्याय नहीं मिल सका है। महिला का आरोप है कि पति की मृत्यु होने के बाद से आज तक ससुरालजनों द्वारा उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसकी लिखित शिकायत कई मर्तबा उसने पुलिस थाने में भी की है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है और हालात अभी तक जस के तस बने हुए हैं। दरअसल अंजू की शादी रपुरा खुर्द निवासी महिपाल सिंह से साल 2012 में हुई थी, जिसके बाद उसकी 3 वर्षों तक सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन 2015 में अचानक उसके पति की मृत्यु हो गई। तब से लगातार अब तक उसे ससुराल वालों द्वारा परेशान किया जा रहा है। विधवा अंजू के 7 वर्ष की एक बेटी है और 6 साल का एक बेटा भी है। अंजू का आरोप है कि ससुराल पहुंचने पर उसके साथ मारपीट करने के साथ साथ जान से मारने की धमकी दी जाती है, जिसकी शिकायत उसने कई बार पुलिस में की है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ये लोग परेशान करते हैं, कुछ लेने जाते हैं तो मारते पीटते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। बहुत बार हम सब जगह गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कौन जान से मारने की धमकी दे रहा है, किस बात को लेकर? देवर कि कुछ देना नहीं चाहता, अब दो दो बच्चे लेके कहाँ जाऊंगी मैं। आपके पति अभी हैं? नहीं, अब खत्म हो गए हैं, इसीलिए तो वो लोग परेशान कर रहे हैं। कुर्मी क्षत्रिय समाज के तत्वाधान में भारत की एकता एवं अखंडता के प्रमुख सूत्रधार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 46वीं जयंती पखवाड़ा राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। वहीं राष्ट्रीय सद्भाव जगाने व राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कुर्मी क्षत्रिय समाज द्वारा विशाल शोभा यात्रा सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कूल से प्रारंभ कर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए सभा स्थल छत्रसाल स्टेडियम पहुंची, जहां पर मुख्यमंत्री अतिथि के रूप में गणेश सिंह, सांसद सतना एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया, पूर्व सांसद श्रीमती ममता पटेल, राष्ट्रीय महिला कोष अध्यक्ष प्रहलाद लोधी, पवई विधायक अरुण पटेल, राष्ट्रीय युवा महासचिव एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में राम भगत पटेल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी क्षत्रिय समाज शिव चरण पटेल, पंचायत जिला अध्यक्ष दमोह श्रीमती ममता पटेल, पंचायत जिला अध्यक्ष कटनी श्रीमती माया पटेल, जिला पंचायत सदस्य कटनी आरपी पटेल, जिला अध्यक्ष कटनी ऋचा पटेल, ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल व सरस्वती माँ के छाया चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर एवं माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो सबसे पहले इस कार्यक्रम के आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि पवई की इस पवित्र धरती में इन लोगों ने एक अच्छा आयोजन किया, और जो हमारे देश के राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं, सचमुच इनका आज़ादी की लड़ाई में और आज़ादी के बाद इतना बड़ा योगदान है कि जिसको युगों युगों तक नहीं भुलाया जा सकता। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अखंड भारत की जो उनकी कल्पना थी उसको साकार करके दिखा दिया, और बिना रक्त बहाए, आज़ादी में बहुत रक्त बहा, बहुत लोगों की कुर्बानियाँ हुई, तब देश को आज़ादी मिली थी। लेकिन जिस तरह से रियासतों पर एकाधिकार जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया, भारत के संविधान के साथ उनका विलय किया, ये बहुत ही असंभव कार्य था, जिस असंभव कार्य को उन्होंने बड़ी चतुराई से, बड़ी दूरदर्शिता से किया, उनका योगदान युगों युगों तक नहीं भुलाया जा सकता, वरना आज भारत की तस्वीर नहीं होती। हमें तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए भी वीजा लेना पड़ता, हमें अगर पवई आना होता तो हमें पन्ना जिले से पहले किसी न किसी रियासत से हमें वीजा लेना पड़ता, तब हम वापस जाते। हमारे माता शारदा की दर्शन करने अगर आपको जाना होता तो पहले वहाँ का वीजा लेना पड़ता आपको, तब जा पाते आप। तो बताइए, कल्पना करिए कि देश कैसा होता। आज से आगरा में संदिग्ध परिस्थिति में विवाहित युवती की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार युवती ने किसी दूसरे समुदाय के लड़के से शादी की थी और अब युवती की मौत के बाद दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए हैं और एक दूसरे पर पथराव और फायरिंग करने लगे।
माहौल को बिगड़ता देख इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया और स्थिति को संभाला गया। वह युवती थी जो जिसने दूसरे समुदाय के लड़के से शादी की थी और वो बीच में यहाँ से चले भी गए थे, अब फिर उन्हें यहाँ के रहने लगे थे जैसा कि बताया गया है। और उसकी उसने आज जैसा कि बताया गया कुंदे से लग के उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। उसकी बॉडी को उतार लिया गया था और पुलिस सीओ साहब भी यहाँ मौजूद थे, इंस्पेक्टर साहब भी मौजूद थे। तभी कुछ लोगों द्वारा यहाँ पर आकर हंगामा किया गया और जिसके फलस्वरूप कुछ दूसरे पक्ष लोग भी इकट्ठे हुए। पुलिस तत्काल मौके पर थी, लोगों को हटाया गया और अब मैं भी मौके पर पहुँचा था। तत्काल एसपी सिटी और विभिन्न थानों की फोर्स भी मौके पर पहुँची थी। यहाँ पर पूरी तरह शांति है। जो लोग अपना लिख के देना चाहते हैं उनसे लिख के देने के लिए कहा गया था, तहरीर देने के लिए कहा गया है और जो उसके आधार पर जो कार्रवाई होगी, विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगी, जो लड़की के लटकने से संबंधित है, जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा उसके हिसाब से और जो लोग और लिख के देंगे उसके हिसाब से इसमें कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज डीडवाना दौरे पर रहे। इस दौरान डीडवाना बाईपास पर स्थित खोखर फार्म हाउस पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष तस्लीम आरिफ मुन्ना की ओर से शेखावत का माला व साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। साथ ही सिवाना विधायक हमीर सिंह का भी स्वागत किया गया, जबकि भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा, उप प्रधान ओम प्रकाश लील, नगर भाजपा अध्यक्ष पवन टाक, राम किशन खीचड़ सहित अनेक भाजपा नेताओं ने भी शेखावत का अभिनंदन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कार्यकर्ताओं को एकजुटता की सीख दी और उन्हें पार्टी हित में कार्य करने व मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। इसके बाद शेखावत ग्राम कोलिया के लिए रवाना हो गए, जहां वे शहीद नरेंद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण कर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री श्री महेंद्र सिंह ने महोबा हमीरपुर सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, सदर विधायक राकेश गोस्वामी, उप जिलाधिकारी चरखारी पीयूष जल जायसवाल और जल सिंचाई विभाग के आला अधिकारियों के साथ अर्जुन बांध का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने नमामि गंगे के अंतर्गत चल रही हर घर पर जल योजना की पानी की टंकियों का भी निरीक्षण किया। अपने निरीक्षण के दौरान उन्होंने अर्जुन बांध की नहर को भी खुलवा कर देखा और उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से लहचूरा बांध से शुरू हुई अर्जुन सहायक परियोजना के बारे में भी विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अर्जुन सहायक परियोजना महोबा जनपद के लिए वरदान साबित होगी, क्योंकि अर्जुन बांध को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जुन सहायक परियोजना के अंतर्गत आने वाला पानी बांध को लबालब भरे हुए है और पानी से लबालब भरे बांध किसी भी क्षेत्र के खुशहाली का प्रतीक माने जाते हैं, क्योंकि आगामी दिनों में किसानों को बुआई के समय कलेवा करने के लिए पानी की अत्यंत आवश्यकता होती है। अब अर्जुन बांध से निकलने वाली नहरें किसानों को भरपूर पानी दे सकेंगी। वहीं पीलीभीत में रोटावेटर की चपेट में आने से पूर्व प्रधान के बेटे की दर्दनाक मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार खेत पर पिता के साथ जुताई के लिए पुत्र गया हुआ था, वहीं अचानक रोटावेटर की चपेट में आ गया जिससे उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि ये पूरा मामला पीलीभीत के बिलसंडा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। डॉक्टरों के पैनल से वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम होगा। परिवार वालों की तहरीर के आधार पर तत्काल गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। घटना के सफल अनावरण हेतु चार अलग अलग टीमें गठित की गई है। इसके साथ साथ फोरेंसिक टीम के साथ छोटे से छोटे सबूत भी इकट्ठा किया जा रहा है। जल्दी से जल्दी ये घटना के अनावरण किया जाएगा।